हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी बना रही हूँ जो कद्दू के छिलके की सब्जी। ये बड़े अच्छे होते हैं, गुणकारी होते हैं, ये आसान भी होते हैं, झटपट बन जाते हैं। सिर्फ मैंने हल्दी और नमक से बन जाते हैं ये। अगर इसको आप बनाना है तो कभी भी आप कद्दू खाए तो उसको छिलके को मत फेंकिएगा, उसको एक बार बना के खाइएगा। चलिए अब हम इसको बनाने शुरू करते हैं। ये हमें कद्दू के छिलके चाहिए। इस तरह से हमने कद्दू छील के रखे हैं, कद्दू हमने खा लिया और छील के रख दिए थे, इसके हम सब्जी बनाएंगे। कद्दू के छिलके चाहिए, एक आलू चाहिए बड़े साइज का, एक प्याज चाहिए और हरी मिर्चा चाहिए और बाकी हल्दी नमक चाहिए। अब हम इसको कद्दू के छिलके को मिही मिही करके इसको एकदम बारीकी से काट लेंगे। आलू भी साथ में काट लेंगे। ये मैंने कद्दू के छिलके एकदम बारीकी से काट ली हूँ और साथ में एक आलू जो रखा था उसको भी मैंने अच्छे से काट ली हूँ धो के। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें मैंने सरसों के तेल डाल दी हूँ। मेरा तेल गर्म हो चुका, अब इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। अब काटे हुए प्याज डाल देती हूँ, इसको थोड़ा भून लेंगे। इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी और नमक से ही ये सब्जी बनेंगे। ये खाने के लिए भी स्वाद होते हैं। डायबिटीज पेशेंट के लिए अभी थोड़ी सी हल्दी हम डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें हमने कोई मसाला नहीं डालना है, सिर्फ दो चीज़ों से, हल्दी और नमक से इसको हम फ्राई करेंगे। ये आप गलती से भी कद्दू के छिलके को फेंकना नहीं चाहिए, इसको खाना चाहिए। इसको होते हैं और हम इसको डाल देते रखते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो आप बिना आलू के भी इसको भुजिया बना के खा सकते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब हम इसको उठा के देखते हैं, बीच बीच पे इसको हिला के रहना चाहिए, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगे। ये आलू पक चुके हैं, अब इसको हम और थोड़ी देर ऐसे बिन ढक्कन के फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे कद्दू के छिलके के सब्जी बन के तैयार हो गए। ये पक चुके हैं, ये थोड़ा कुरकुरा हो गए, लेकिन ऐसे ही आप कभी भी बना के इसको खा सकते हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। ये हमारे कद्दू की सब्जी बन के तैयार हो गया। ये खाने में स्वादिष्ट होते हैं और कद्दू के छिलके में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं से रक्षा करते हैं हमें। इसीलिए आप इसको कभी फेंकिएगा मत, बना के खाइएगा। अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।